अब सिर्फ दो सोलर पैनल लगाएं और पूरी गर्मियां लोड शेडिंग और बिजली के बिल से निजात हासिल करें। अपने पंखे, लाइटें, फ्रिज सारा दिन सोलर के ऊपर चलाकर अपने बिजली के बिल और लोड शेडिंग के अजाब से निजात हासिल कर सकते हैं। जनवरी 2023 में इस पूरे सिस्टम की क्या कीमत होने वाली है, इस वीडियो में तफसील के साथ बताया गया है। काइंडली इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, जनवरी आ चुका है 2023 का, इसके बाद फरवरी आएगा, मार्च आएगा और मार्च में आ जाएगा रमजानुल मुबारक। आपको पता है जैसे गर्मी बढ़ती है तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है। लोड शेडिंग के बढ़ने के साथ साथ बिजली के बिल भी बढ़ जाते हैं। उसकी मेन वजह यह कि आपके पंखे चलना स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी फ्रिज कंटिन्यूअस चलना स्टार्ट हो जाती है। जारी बात है, सर्दियों में आप दिन भर फ्रिज शायद बंद रखते हो, रात को चलाते हो, जैसा कि हम भी अमूमन घरों में ऐसे करते हैं, दिन को फ्रिज बंद कर देते हैं, रात को चला देते हैं, जबकि पंखे तो भाई 24 घंटे बंद रहते हैं। जैसे गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो भाई सबसे पहले आपके फैन चलते हैं, फ्रिज कंटिन्यूअस सारा दिन चलती है और उसी के साथ साथ जारी बात है लाइटें भी चल रही होती हैं। अब इनका बिल कैसे खत्म किया जा सकता है? अब जारी बात है पंखे तो आप बंद नहीं कर सकते, बिजली का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली भी बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है, यूनिट दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। जब भी आपको नेक्स्ट मंथ बिल आता है तो पता चलता है यूनिट और महंगा हो चुका है। तो भाई अब पंखे तो बंद कर नहीं सकते, अब क्या करना है भाई, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमने खत्म करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? आप पूरा दिन अपने पंखे, फ्रिज और लाइटों को सोलर के ऊपर चला सकते हैं। अब आप कहेंगे उस्मान भाई सोलर भी कोई इतना सस्ता नहीं है आजकल। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ दो सोलर पैनल के ऊपर सॉल्यूशन बताने वाला हूं, कैसे आप अपने पंखे और फ्रिज को सोलर के ऊपर सारा दिन चला सकते हैं, यानी कि सारा दिन आपका बिजली का बिल जो दिन दिन में है वो खत्म हो जाएगा। वही जो रात के टाइम आप जितने पंखे चलाएंगे और आपकी जो फ्रिज चलेगी या फिर जितनी लाइटें चलेंगी, टीवी चलेगा, उसी का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, क्योंकि दिन में आपका ज्यादातर जो है बहुत सारे पंखे चल रहे होते हैं, दिन में गर्मी ज्यादा होती है, रात को आप शायद एक दो फैन चलाते हो पूरे घर में, तो इसलिए आपको बिजली के बिल में यकीनन बहुत सारी कमी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इस सोलर सिस्टम की मुकम्मल तफसील आपके सामने रख दूंगा, उसकी कीमत भी जनवरी 2023 में क्या होने वाली है, जिसमें आप अपने पंखे, लाइटें और फ्रिज बासानी सोलर के ऊपर चला सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप इसी तरह की सोलर वीडियोस देखना चाहते हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, कॉपी और पेंसिल आप अपने पास रख लें और ये तमाम चीजें लिख लें, जहां पर समझ ना आए वीडियो को पॉज करके बैक करके आप दोबारा को वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आप सामान लिख लें, सामान आपको क्या क्या लेना है। इसमें आप दो सोलर पैनल ले सकते हैं, चाहे आप 150 वाट के ले लें, चाहे आप 260 वाट के ले लें, चाहे आप 350 वाट के ले लें, 450 वाट के ले लें या 550 वाट के ले लें। बेहतर यह है अगर आप कम बजट में जाना चाह रहे हैं तो आप 150 वाट के दो सोलर पैनल ले सकते हैं, उससे आप क्या कुछ चला सकते हैं ये भी आपको आगे चल के तफसील में बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा फोकस होगा वो 340 वाट या 370 वाट के सोलर पैनल पर होने वाला है। इन्हीं दो सोलर पैनल के ऊपर आपको पूरे सोलर सिस्टम का बताने वाला हूं कि इसके ऊपर आप कितना लोड इजीली पूरा दिन चला सकते हैं और अपने बिजली के बिल में कितनी बचत हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने पूरे दिन में तीन पंखे चलाने, एक दत फ्रिज और दो तीन लाइटें हैं, तब आपके लिए 340 वाट के दो सोलर पैनल बहुत हैं, यानी कि आप सारा दिन अपने इन दो सोलर पैनल से तीन पंखे, एक दत फ्रिज, वो भी इन्वर्टर फ्रिज, और दो तीन लाइटें और एक एलईडी टीवी इजीली सारा दिन चला सकते हैं। तो ये सोलर पैनल्स अगर आप लेते हैं तो एक सोलर पैनल आपको 25,500 का मिलने वाला है। अगर आप ये दो सोलर पैनल लगाते हैं तो ये आपको 51,000 के दो सोलर पैनल मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपने एक अदद इन्वर्टर लेना है। दो कंपनियां यहां पर मैं आपको सजेशन कर सकता हूं कि आप इसके सोलर इन्वर्टर ले लें जो कि इस टाइम बेस्ट जा रहे हैं। एक तो है नंबर वन के ऊपर ज्यूनिक 1.5 केवीए मार्वल सीरीज और दूसरा है फ्रोनस का एक्सियन एडवांस 1.4 केवीए। पहले दोस्तों, ज्यूनिक के 1.5 केवीए मार्वल सीरीज के ऊपर आप 1050 वाट का लोड डाल सकते हैं और फ्रोनस 1.4 केवीए के ऊपर आप 800 वाट का लोड डाल सकते हैं। ज्यूनिक के अंदर भी आपको सेमी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है जो कि 60 एम्पीयर का है,
फ्रोनस 1.4 केवीएम में भी आपको सेमी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है जो कि 50 एम्पीयर का है। दोनों ही सोलर इन्वर्टर 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ऑपरेट होते हैं। ये दोनों ही सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड बेस्ड इन्वर्टर हैं। अब हाइब्रिड इस सेंस में है कि भाई जैसे ही आपका सोलर की पावर कम हो जाएगी, आपका जो लोड है वो डायरेक्ट वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होगी। ये दोनों सोलर इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर तो नहीं है, लेकिन ये मॉडिफाइड साइन वेव के साथ आते हैं। अब बात कर लीजिए इसके ऊपर, आप कम से कम अगर आप 340 वॉट से भी कम के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो कितने लगा सकते हैं। दोनों के साथ आप 150 वॉट के दो सोलर पैनल कम से कम लगा सकते हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल की बात कर लीजिए तो 550 वॉट के आप दो सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। अगर आप 150 वॉट में ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप 8 सोलर पैनल दोनों के साथ लगा सकते हैं। 250 वॉट के आप 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 450 वॉट के आप दो सोलर पैनल लगा सकते हैं, या फिर आप 550 वॉट के भी दो सोलर पैनल लगा सकते हैं। 340 वॉट के आप तीन सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। तो अगर आप दो सोलर पैनल 340 वॉट के ले लेते हैं, एक अदद ज्यूनिक मार्वल सीरीज 1.5 केवीए का सोलर इन्वर्टर ले लेते हैं और एक अदद बैटरी आप 100 एम्पीयर की ले लेते हैं, वही पानी वाली बैटरी, तो जनवरी 2023 में इसकी जो कीमत बनती है वो तकरीबन 1,00,000 तक बनती है। इसमें जो ज्यूनिक मार्वल सीरीज 1.5 केवीए का सोलर इन्वर्टर है वो तकरीबन इस टाइम 30,000 के नियर अबाउट है। अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सर्विस के साथ ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। इस सोलर सिस्टम के ऊपर आप सारा दिन अपने 2 से 3 पंखे चला सकते हैं, एक अदद आप अपने एक इन्वर्टर फ्रिज चला सकते हैं, अपने 2-3 एलईडी बल्ब चला सकते हैं और एक अदद एलईडी टीवी भी चला सकते हैं। अगर आप इस्त्री चलाना चाहते हैं तो आप इस्त्री चला सकते हैं, मगर आपका जो लोड है वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस्त्री आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। वॉशिंग मशीन भी अगर आप चलाते हैं तो दो सोलर पैनल 340 वॉट के दो सोलर पैनल के साथ वॉशिंग मशीन चल तो जाएगी, लेकिन जब आप वॉशिंग मशीन के अंदर ज्यादा कपड़े डालेंगे तो लोड ज्यादा होने की वजह से जैसे ही वॉशिंग मशीन चलेगी आपका जो लोड है वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सोलर के ऊपर आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन के साथ टाइमर लगा होता है, कभी वो ऑन होती है कभी ऑफ होती है, तो ये सिस्टम चलता रहेगा, आपकी वॉशिंग मशीन चल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं वापडा इस्तेमाल ना हो तो वापडा को आप बंद कर दें, आपकी बैटरी जितनी चार्ज होगी वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी, बैटरी के ऊपर आपकी वॉशिंग मशीन इजीली चल जाएगी। तो पहले दोस्तों 1,00,000 रुपए के अंदर आप गर्मियों में लोड शेडिंग से और बिजली के बिल से निजात हासिल कर सकते हैं। काफी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि अगर वो दो सोलर पैनल के साथ अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या कुछ चला सकते हैं और इसकी टोटल कीमत कितनी होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।